हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ केयर बाय डॉक्टर प्रिया। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के बारे में, क्या संकेत या साइंस होते हैं उनके बढ़ने के, इसके अलावा हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं इस चैनल से रिलेटेड वो आपको समय रहते मिलते रहें और आपको अच्छे और एजुकेशनल वीडियोस देखने का मौका मिलता रहे। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल के ऐसे क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चले कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। हमारे शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है तो रक्त गाढ़ा हो जाता है और इस कारण से कई शारीरिक समस्याएं होने लग जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो बहुत ज़्यादा वसायुक्त डाइट लेने और व्यायाम न करने से हमारे खून में बढ़ने लग जाता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल अधिक वजन होने, धूम्रपान और शराब पीने के कारण भी बढ़ता है। वहीं कुछ मामलों में यह जेनेटिक रीजन से भी बढ़ने लग जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से खून गाढ़ा होता है और ब्लॉकेज का खतरा भी बढ़ जाता है। इससे अचानक हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने पर कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे आँखों में परेशानी भी होने लग जाती है। आँखों के कोनों के आसपास पीले और नारंगी रंग की मोम जैसी परत जमने लग जाती है। कोलेस्ट्रॉल अधिक होने के कारण पैरों की निचली और हथेलियों के पीछे की त्वचा पर पीले रंग की मोमी परत जमने लग जाती है। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है तो आपको कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने के लिए संतुलित जीवन शैली अपनानी चाहिए। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से कोरोनरी आर्टरी में प्लेक बिल्डअप होने लग जाता है, जिससे कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इससे ब्लड प्रेशर भी हाई होने लग जाता है। इससे हार्ट मसल्स में ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है। इससे सांस लेने में तकलीफ, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इससे सीने में दर्द, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और ट्रिपल वेसल डिजीज जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ जाता है। तो चलिए, अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के कुछ उपायों के बारे में। आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, स्विमिंग व जॉगिंग करके। ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम व योगा अपनाकर आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित कर सकते हैं। आप सुबह और शाम पैदल चल के और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाकर भी अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित कर सकते हैं। खट्टे फल जैसे कि संतरा और अंगूर आदि का सेवन करके भी आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए आप रोज़ाना नट्स का सेवन भी कर सकते हैं, जिसमें आप मूंगफली, अखरोट आदि का सेवन भी कर सकते हैं। बादाम का सेवन भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए लाभकारी है। आप अपनी जीवन शैली में रोज़ाना 2 नट्स ले सकते हैं। गर्म पानी का सेवन भी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में काफ़ी मददगार होता है, इसलिए आप गुनगुने पानी का या गर्म पानी का सेवन भी रोज़ाना कर सकते हैं। मीठा खाना ना सिर्फ शुगर लेवल को बढ़ाता है बल्कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी बढ़ाता है, इसलिए मीठे का प्रयोग वहीं करना चाहिए जहां ज़रूरी हो। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल 100 से 129 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और आप हार्ट के मरीज नहीं हैं तो ये नॉर्मल है। अगर आप हार्ट के मरीज हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल 100 से 129 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने पर आपको मीट, चिकन, ऑयली, शुगरी और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम व मिठाई
भी कोलेस्ट्रॉल के रिस्क को बढ़ा देते हैं, इसीलिए इनका सेवन अपनी जीवन शैली में संतुलित ही रखना चाहिए। या हो सके तो इन चीज़ों को ना खाना ही आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बीन्स वाली सब्जियों का उपयोग बेहतर माना जाता है। इनमें भारी मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो आज आपने इस वीडियो में जाना कोलेस्ट्रॉल के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, कैसे हम कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और उसके प्रिवेंशंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।